2 दिन पहले ही मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और 2 दिन बाद मुझे पता चलता है कि कैंसर, और वो भी 3rd स्टेज। घर जाके मैंने बताया कि मुझे कैंसर हो गया है, तो विश्वास नहीं हुआ, रोने लगे सब लोग। और ऐसा हो गया था जैसे अभी तो शादी की सेलिब्रेशन चल रही थी और अब जैसे मातम सा हो गया है घर में। मैं बस अंदर ही अंदर ऐसे हो रही थी कि मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी, मेरे साथ क्या होगा। ना सब कुछ देखने के बाद भी अगर ये होती है लाइफ, तो एक बारी को थॉट आया कि मुझे नहीं चाहिए। कैंसर की वजह से मुझे लाइफ में पर्पस मिला। मील्स ऑफ हैप्पीनेस का एक ही सपना है कि कोई भी बच्चा भूखा ना सोए। आप मानेंगे नहीं, हमारे पास ऐसा टाइम था कि हमारे पास रोटी नहीं होती थी, हमारे पास अगर रोटी है भी तो हमारे पास खाने के लिए सब्जी नहीं है। तो वो मोमेंट मुझे कभी नहीं भूलता है, और मुझे पता है कि वो कितना पेनफुल रहता है जब आपको भूख लगी और आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी तक करीब करीब 20 लाख लोगों को खाना खिलाया है। हमारे पास मैन पावर नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा जो भी है पूरी फैमिली लगी रहती है, और हम खुद ही जो भी कर सकते हैं वो कर पाते हैं। इस टाइम पे हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ड्राई राशन की ज़रूरत है, जिसके अंदर आटा, राइस, मसाले हैं, तेल है, और क्या कहते हैं, दालें हैं। कब हम लोग मील्स ऑफ हैप्पीनेस के अंदर 500 से 200 मील तक पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। कब मेरा कैंसर पीरियड ओवर हो गया मुझे वो नहीं पता चला। मुझे पता है कि एक भूखे को खाना खिलाने में क्या खुशी मिलती है, और वो इंसान किस हद तक खुश होता है।